हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सूखी वाली सब्जी। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल डाला है। इस सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तेल गर्म होने के बाद इसमें राई, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। पत्ता गोभी की सब्जी है और बेसन के साथ बना रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। चार पांच लहसुन की कलियां बारीक कट करके डालेंगे। एक बारीक कटा प्याज डालेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। एक बड़ी वाली तीखी वाली हरी मिर्च है, वो बारीक कट करके डालेंगे। और 1 टीस्पून अदरक है, वो डालेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने तक। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और कलर के लिए हल्दी डालेंगे। अब इसमें बारीक किया हुआ पत्ता को भी डालेंगे। ये मैंने इसको ग्रेट करके लिया है, आप चाहे तो एकदम बारीक इसको कट करके भी ले सकते हैं। ये 1 पाव पत्ता को भी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे मसालों के साथ। अब इस पर ढक्कन रख के पत्ता गोभी को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर इसमें हम बेसन डालेंगे। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट पक के पत्ता गोभी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। आप इसे बना के देखिए। अब 1 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रखेंगे। सिर्फ बेसन पकने तक ही हमें इसको पकाना है और इसको 1 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे। तैयार है हमारी बेसन वाली पत्ता गोभी की सब्जी। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और गैस को कर देंगे बंद। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपने इस तरह की सब्जी पहले नहीं बनाई है तो इसे ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अब इसको निकाल लेते हैं।